हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। सहारनपुर में हाथों में तिरंगा लेकर हाफ मैराथन में दौड़ी पुलिसकर्मी आरक्षी दीपा रही अव्वल, पूनम ने दूसरा तो पायल ने तीसरा स्थान पाया। मुरादाबाद में शहीद पुलिस वालों के परिजनों का सम्मान, एसआई ठाकुर दास को राष्ट्रपति पुलिस मेडल, कई पुलिस वालों को मिला डीजी सम्मान चिन्ह। गाजियाबाद में देश की सबसे बड़ी रेल लिंक लाइन तैयार, डीडीएफसी के ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर को जोड़ेगा ये लाइन। अयोध्या के मस्जिद ट्रस्ट ने धन्नीपुर में तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान कर भारत माता के जयकारे लगाए गए, 3 माह से शुरू होगा निर्माण। हापुड़ में हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ी महिला जवान पुलिस लाइन में, अमृत महोत्सव के तहत हुई हाफ मैराथन, महिला पुलिस और उनके बच्चे शामिल। गाजीपुर में मां ने अपने 3 बच्चों को चाय में दिया जहर, 3 मासूमों की मौत। गाजीपुर में पति से फोन पर हुआ था झगड़ा। स्वतंत्रता दिवस पर 2 शहरों में बवाल, लखनऊ के बंगला बाजार में तिरंगा यात्रा के दौरान पथराव, प्रयागराज में युवक को मारी गोली। मिक्रुकांड के शहीदों के परिजनों का सम्मान, पुलिस कमिश्नर बोले भाई पिता और बेटे की तरह निभाएंगे जिम्मेदारी। यूपी में फेस्टिव सीजन से कोरोना रिटर्न, 15 दिन में 165% बढ़े कोरोना केस, फिर से डॉक्टर्स होने लगी संक्रमित। बिजनौर में तिरंगा बांटने पर सिर कलम करने की धमकियां, आंगनबाड़ी वर्कर के घर के बाहर चश्मा मिला खत, पुलिस ने दी सिक्योरिटी। आजमगढ़ ऋषि मनीषियों की धरती पर आतंक का ग्रहण, 29 साल से आतंकी घटनाओं से जुड़ता रहा है नाम। आगरा में ताज एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी, ट्रेन में बैठे यात्रियों को युवक ने सूचना दी, कई यात्रियों की सांसें अटकी, 2 घंटे तक हुई चेकिंग। अंबेडकर नगर में भाजपा नेता ने फहराया उल्टा तिरंगा, स्कूल में ध्वजारोहण कर रहे थे, सपा ने कहा भाजपा आरएसएस ने हमेशा ध्वज का अपमान किया। सहारनपुर में मुठभेड़, पुलिस और बदमाशों में आमने सामने से चली गोली, 1 गिरफ्तार 2 फरार। भदोई में छिनौती का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, कई इलाकों में पुलिस ने की छापेमारी, बदमाशों की कर रही तलाश। रायबरेली में 6 कोरोना पॉजिटिव मिले, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 75, होम आइसोलेशन में रखा गया। वरुण गांधी की ट्वीट के जरिए अपील, लिखा सड़कों पर ना मिले फेंका हुआ तिरंगा, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी। फ्लिपकार्ट ऑफिस में गन पॉइंट पर 19 लाख लूटे गए, फतेहपुर में डीएएसपी आवास के बीच हुई वारदात, 5 दिन का कलेक्शन ले गए। कन्नौज में करंट लगने से 1 शख्स की मौत, इन्वर्टर में डाल रहा था पानी, नहीं बंद किया था स्विच। कानपुर देहात में पिता की डांट से नाराज युवक ने की आत्महत्या, देर रात नशे की हालत में पहुंचा घर, फटकारने पर कमरे में लगा ली फांसी। बुलंदशहर में मुखबिर के शक में हुई थी ओम प्रकाश की हत्या, 9 दिन पहले भतीजे ने ही किया था मर्डर, अवैध हथियारों का सौदागर है आरोपी। रामपुर में फ्लाईओवर को तोड़ते हुए ट्रेन पर गिरा, दूध के पैकेट से भरा हुआ था, रामपुर जा रहा था चंडीगढ़ एक्सप्रेस का इंजन ब्रस्ट, ट्रक घर में घुसा, रिटायर्ड दरोगा समेत 4 की मौत। मैनपुरी में खाना खाकर पूरा परिवार सोया था बेकाबू, ट्रक ने पूरा घर किया ध्वस्त। लखनऊ में 17 लाख की चॉकलेट चुरा ले गए चोर, चिन्हट में व्यापारी ने घर में बना रखा था गोदाम, डीवीआर भी उखाड़ ले गए। बदायूं में लाठी डंडे लेकर दौड़ी शिक्षिका, वीडियो वायरल, प्रधान पर एमडीएम का पैसा निकालने का आरोप, 3 के खिलाफ दर्ज एफआईआर। गाजियाबाद में बाढ़ में बहकर आए मगरमच्छ, हथनी कुंड बैराज से छोड़ा 5 लाख क्यूसिक पानी, बागपत से दलित अलर्ट। संगम में निकली नौका तिरंगा यात्रा, जल पुलिस और पीएसी के जवानों ने राष्ट्र प्रेम का दिया संदेश। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू में तिरंगा के नीचे फिल्मी गाने पर डांस, लॉलीपॉप लागेलू गाने पर 200 छात्रों ने लगाए ठुमके।
आजादी का जश्न मुरादाबाद में देशभक्ति के तरानों पर थिरके लोग, नदी से लेकर सड़कों तक तिरंगा यात्राएं। बदायूं में आजादी के जश्न में डूबी खाकी, बिनावर थाने में महिला सिपाहियों ने जलवा बिखेरा, जलवा तेरा जलवा गाने पर किया जमकड़ा। बदायूं में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परिवहन विभाग को मिला उपहार, दो नई बसों को राज्य मंत्री संजय गंगवार ने झंडी दिखाकर किया रवाना। बरेली में आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर निकाली तिरंगा यात्रा, हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर भाईचारे का दिया संदेश। देवरिया में 15 अगस्त के अवसर पर कांग्रेसियों ने निकाला 100 मीटर तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा में सैकड़ों कांग्रेसी रहे मौजूद। गोंडा पहुंचा नेपाली युवक का पदयात्रा, नेपाल भारत मैत्री को प्रगाढ़ करने के लिए नेपाली युवक ने किया पदयात्रा। गाजीपुर में बाहुबली बृजेश सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेशी, साल 2001 में ऊसरी चट्टी हत्याकांड मामले में हुई पेशी। गोरखपुर में विरामगढ़ ताल पर बना अनोखा रिकॉर्ड, 1 लाख से अधिक लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया। लखनऊ के पाराबुद्धेश्वर और दुबग्गा ऑटो टेम्पो स्टैंड पर बना राहगीरों के लिए मुसीबत, ऑटो स्टैंड अवैध रूप से लगने के कारण हुई थी ड्राइवर की हत्या। मैनपुरी की वीरू ने मौसी को दिया प्यार का सबूत, प्रेमिका के घर पर अपने हाथ की नस काट ली, युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। शादापुर में दबंगों ने मामूली विवाद के बाद असलाहों से जमकर की फायरिंग, दबंगों द्वारा की गई फायरिंग का वीडियो वायरल। अलीगढ़ में महिला को लेकर दो युवकों में हुई जमकर मारपीट, दोनों के बीच मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में कीचड़ में से तिरंगा यात्रा निकालते हुए मासूम बच्चों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, ये वीडियो अनूपशहर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। चंदौली में बांध में डूबने से युवक की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस, रेस्क्यू अभियान में जुटी। फरुखाबाद में शानदार पुलिसिंग के लिए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को मिला गोल्डन मेडल, 20 महीने से तैनात है एसपी अशोक कुमार। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, लोगों के लिए बन रही मुसीबत, अस्पताल परिसर के अंदर दिखा गंदगी ही गंदगी। कानपुर में पीआरवी 420 में तैनात हेड कांस्टेबल का बेटा अवैध असलाहों का शौकीन, सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर क्षेत्र में फैलाता है दहशत। लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर दो पक्ष आए आमने सामने, तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर दोनों पक्षों में काटा जमकर बवाल। श्रावस्ती में क्षय रोग नियंत्रण अस्पताल में नहीं हुआ ध्वजारोहण, विभाग के कार्यालय में दिन भर लटकता रहा ताला। उन्नाव में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, झंडा रोहण के बीच 18 सेकंड में 5 राउंड फायरिंग कर बनाई दहशत। शाहजहांपुर में युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में पुल से लगाई छलांग, घायल युवती को जलालाबाद विधायक ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया जिला अस्पताल। गोंडा में गरीब की बस्ती में दबंगों का तांडव, दबंगों ने गरीब का उजाड़ा छप्पर उजाड़ कर पीड़ितों को धमकाया। मुरादाबाद में दिन दहाड़े पुलिस पर बरसाई लाठियां, मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, सिपाही भी गिरकर जख्मी हुआ। कानपुर में स्टैंप चोरी करने के मामले में सपा विधायक ने जारी किया वीडियो, कहा सरकार की अदालत में सुनवाई नहीं। गोंडा में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत, शौच करने रेलवे ट्रैक के किनारे गया था 24 साल का बद्रीनाथ। यूपी कैबिनेट में 16 अहम प्रस्ताव पास, लखनऊ के कुकरेल में बनेगा नाइट सफारी पार्क, डिफेंस कॉरिडोर की नई पॉलिसी को मंजूरी। रामपुर में रन फॉर नेशन में दौड़े बच्चे और महिला कांस्टेबल, प्रतियोगिता में 8वीं कक्षा की मोना और महिला पुलिसकर्मी ब्रजेश रही विजयी। हाथरस में पोखर में मिला लापता बच्चे का शव, 15 अगस्त को गया था स्कूल, तिरंगा फहरा कर नहीं लौटा घर। स्वतंत्रता दिवस पर आजमगढ़ पहुंचे सांसद निरहुआ, वाराणसी गोरखपुर की मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ने को मिली हरी झंडी। कोर्ट के बाहर हिस्ट्री शीटर की हत्या, हापुड़ में पैदल आए बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी से उतरते ही 20 राउंड गोलियां चलाई। बरेली में उत्तराखंड मंत्री के कथित रिश्तेदार शराब के साथ गिरफ्तार, बारादरी पुलिस ने रात शराब बेचते पकड़ा।
बांदा पुलिस ने नाली से निकलवाया नवजात का शव। गांव वालों ने पुलिस को 7 दिन के बच्चे को नाली में जिंदा गाड़ने की सूचना दी। महाराजगंज में स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में नृत्यकियों ने लगाया ठुमका। स्कूल में ऑर्केस्ट्रा कराने पर प्रधानाध्यापक सस्पेंड। बदायूं में SSP के फॉलोअर ने सिपाही का सिर फोड़ा। फॉलोअर का दामाद है सिपाही, दहेज प्रताड़ना का कराया था मुकदमा। मुरादाबाद में महिला पुलिसकर्मियों की हाफ मैराथन। कमिश्नर SSP ने निकाली तिरंगा साइकिल यात्रा। पुलिसकर्मियों के बच्चे ने भाग लिया। और शामली में जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। DM के सामने पेश हुए 18 सदस्य 22 अगस्त को होगी शनाख्त। मथुरा में यमुना का बड़ा जलस्तर, चेतावनी निशान से कुछ ही नीचे बह रही नदी। मगरमच्छ तैरने का वीडियो आया सामने। मेरठ में गंगा की लहरों पर फहराया तिरंगा। मेरठ गंगा घाट पर हुई आरती। आजादी के अमृत महोत्सव में सजा गंगा घाट। मैनपुरी में रुपए के लेन देन को लेकर युवक को मारी गोली। घायल बोला प्रधानी के चुनाव में दिया था 1.20 लाख मांगने पर मारी गोली। कल शाम में आएंगे CM योगी, बिजली घर का करेंगे उद्घाटन। 750 करोड़ से बनकर हुआ तैयार। सैकड़ों गांवों को मिलेगी सुविधा। गोरखपुर में महिला पुलिस और PSC के बच्चों ने लगाया मैराथन दौड़। गोरखनाथ मंदिर से SP ट्रैफिक ने दिखाई हरी झंडी। आगरा में एक बार फिर ATM उखाड़ने का प्रयास। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। स्क्रीन और कीपैड को पत्थर से तोड़ने का प्रयास। बिजनौर में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में उतरा त्यागी समाज। कलेक्ट्रेट में किया जमकर प्रदर्शन। उच्च स्तरीय जांच की मांग। नौज में प्रेमिका से शादी कर घर पहुंचे प्रेमी की बजाय फेसबुक से हुआ था प्यार। घर वालों की मर्जी के बगैर की थी कोर्ट मैरिज। अमरोहा में महिला ने पति और जेठ के खिलाफ दी तहरीर। बोली दोनों ने रंजिश लगाई आग। शराब के नशे में करते मारपीट। जालौन में मोबाइल की दुकान से 1.5 लाख की चोरी। कीमती फोन और लैपटॉप लेकर भागे चोर। दीवार तोड़कर घुसे थे अंदर। मिर्जापुर के अष्टभुज पुलिस चौकी प्रभारी समेत 4 सस्पेंड। बिहार से आके जमकर छलका शराब। साथी को मारी गोली। 6 पहुंचे जेल। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV।